गाइस, क्या आप लोग मम्मी पे विश्वास करते हो? कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उन्होंने चलता फिरता मम्मी देखा है। गाइस, इस वीडियो में आपको मम्मी से रिलेटेड अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए मिलेंगे। तो गाइस, आपके मन में कभी ना तो कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि दुनिया का सबसे पहला पिरामिड कौन सा था और ये दुनिया में अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं और वो कितने साल पुराना है। सो गाइस, इस दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड 2660 BC से पुराना है और ये है स्टेप पिरामिड और ये तोम्बो किंग नामक एक इंसान का है। और गाइस, चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। गाइस, कभी ना तो कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि जो मम्मीज रहते हैं उनकी बॉडी सड़ती क्यों नहीं है और उनका बाल उल कुछ भी सड़ता क्यों नहीं है। क्योंकि गाइस, जब कोई राजा मरता है तो उसकी बॉडी को मॉडिफिकेशन करने वक्त हर एक उसका मेन बॉडी का पार्ट निकाल लिया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी ज़्यादा देर सड़े ना। गाइस, जैसा कि आप नहीं जानते हो, मम्मी कितने पार्ट में डिवाइड रहती है। गाइस, मम्मी के 2 पार्ट होते हैं, पहला एंथ्रोपोजेनिक और दूसरा स्पॉन्टेनियस। गाइस, ये दोनों रूप होते हैं मम्मी के। और गाइस, ये रही आपके स्क्रीन पे एंथ्रोपोजेनिक और स्पॉन्टेनियस की फ़ोटो। और गाइस, क्या आप जानते हो कि पिरामिड में सिर्फ मैन ह्यूमन बींग्स की मम्मीज नहीं बनती है, कभी कभी तो एनिमल्स की मम्मी बनती है और ज़्यादातर पिरामिड में 1 मिलियन मम्मीज कैट्स की पाई गई है। लगभग अगर हम पूरे काउंट करें तो 1 मिलियन से ज़्यादा या फिर 1 मिलियन लगभग कैट की मम्मीज पाई गई है। और गाइस, कभी कभी आपको लगता हो कि जो इजिप्ट वाले ही सिर्फ मम्मीज बनाते हैं क्या, और कोई कॉन्टिनेंट या फिर और कोई कंट्रीज नहीं बनाती है क्या? सो गाइस, एक बात आपको बता दें कि जब इजिप्ट ने पहला मॉडिफिकेशन किया था उससे 2000 साल पहले एक साउथ अमेरिका में जगह है जिसका नाम चिनचुरोरो करके है, उसमें 2000 साल पहले ही मम्मीफिकेशन कर लिया था और देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे उसका फ़ोटो। और गाइस, जैसा कि आप नहीं जानते हो कि इजिप्ट का सबसे पहला राजा कौन था और वो सबसे पहला मम्मी बना था। गाइस, आपको लगता होगा कि ऐसे ही हम लोग राजा होगा यार, कौन होगा, तो यार देखने के बाद उसको आप जान जाओगे यार कितना पावरफुल राजा वो था, इसलिए उसको सब लोग इजिप्ट में गॉड माना था। और गाइस, उसका नाम था ओसाइरिस। गाइस, ये सबसे पहला मम्मी था और इसको इजिप्ट के लोग गॉड मानते हैं और कुछ लोग तो अभी भी इसे गॉड मानते हैं। गाइस, जैसा कि आप नहीं जानते कि मॉडिफिकेशन करने वक्त जो पट्टी यूज किया जाता है मम्मी के ऊपर वो कितना मीटर लॉन्ग और कितने स्क्वायर फीट होते हैं, और उसको 11वीं सेंचुरी में पता लगा लिया गया है कि वो कितना बड़ा और कितने स्क्वायर फीट में होता है। और गाइस, वो 9056 फीट का होता है और इसे 11वीं सेंचुरी में डिस्कवर कर लिया गया था। और गाइस, एक ना एक दिन आपको ये चीज़ लगता ही होगा कि जितने भी मम्मी आते हैं वो इजिप्शियन में से आते हैं और कंट्री से आते हैं। सुबह से आपको बता दें कि जितने भी मम्मी आते हैं वो सिर्फ इजिप्ट से नहीं, हर एक कॉन्टिनेंट से आते हैं। और गाइस, जैसा कि आप नहीं जानते हो कि स्केलेटन और मम्मीज में क्या फ़र्क होता है, तो गाइस यार अभी आपको पता चल जाएगा। सो यार, जो स्केलेटन रहता है वो अंदर से और बाहर से पूरा सब तरफ से खोखला रहता है और जो मम्मीज रहते हैं उनकी 1000-2000 साल से स्किन और हेयर सब चीज़ सलामत रहती है। और गाइस, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, उस वीडियो में हम लोग और भी बातों को जानेंगे। तो यार, फिर नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और एक कमेंट करना, पार्ट 2 का वेट करना।